आगे एक अधिकारी के बयान ने भारत के लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। उस अधिकारी के मुताबिक अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने धार्मिक स्वतंत्रता पर एक रिपोर्ट जारी कर कहा है कि भारत अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा की घटनाओं की निंदा करे। ये रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब देश के प्रधानमंत्री अगले माह यानी जून के महीने में अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं। अगर ये रिपोर्ट सही है तो कई सवाल खड़े हो सकते हैं। संभावना जताई जा रही है कि वहां की मीडिया इस रिपोर्ट को लेकर प्रधानमंत्री से भी सवाल कर सकती है। हालांकि उस अमेरिकी अधिकारी ने अपना नाम उजागर नहीं किया है, लेकिन उसकी रिपोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार को सोचने पर जरूर मजबूर कर दिया होगा। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट 15 मई को जारी हुई थी। धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी की ये वार्षिक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में 20 से अधिक ऐसी घटनाओं को सूचीबद्ध किया गया है जो भारत में अल्पसंख्यकों पर हुई है। अमेरिकी अधिकारी ने रिपोर्ट के जरिए कहा है कि भारत उन हिंसक घटनाओं की निंदा करे जो भारत में हुई हैं। हालांकि ये खबर एक न्यूज एजेंसी के जरिए प्राप्त हुई है। जिस अधिकारी के जरिए ये खबर मिली है उसने यह भी कहा कि अमेरिका भारत में हो रही धार्मिक हिंसा से दुखी है। उस अधिकारी ने और भी दावे किए हैं। उन चिंताओं पर बात करते हुए उसने कहा है कि सरकार को हिंसा की निंदा करने और धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति अमानवीय बयानबाजी करने वालों को जवाबदेह ठहराने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। मीडिया और एडवोकेसी ग्रुप की रिसर्च पर आधारित अमेरिकी विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट में गुजरात में हिंदुओं पर हमला करने के आरोपी मुस्लिमों के घर तोड़ने और उनकी सार्वजनिक पिटाई करने के बारे में चिंता जताई गई है। इस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बुलडोजर वाले बयान की भी निंदा की गई है। हालांकि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने धार्मिक स्वतंत्रता पर रिपोर्ट पेश करते हुए चीन, ईरान, म्यांमार और निकारागुआ को धार्मिक हिंसा पर चेतावनी दी है, लेकिन उसमें भारत का कहीं भी जिक्र नहीं है। विदेश मंत्री ने कहा कि वो धर्म में विश्वास करने या ना करने के अधिकार की रक्षा करते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि सही है बल्कि इसलिए भी कि उस धर्म के मानने वाले हमारे समाज और दुनिया की भलाई के लिए अच्छा काम कर सकते हैं। इस रिपोर्ट की सच्चाई को लेकर आगे भी बातें होती रहेंगी, लेकिन अल्पसंख्यकों को लेकर जो भी बातें कही गई हैं वो ऐसे समय में आई हैं जो कई तरह के सवाल खड़ा करेंगी। फिलहाल उम्मीद यही करनी चाहिए कि जब मोदी अमेरिका जाएं तो वहां की मीडिया इस रिपोर्ट को लेकर कोई सवाल ना पूछे। ब्यूरो रिपोर्ट, समय डिजिटल। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो पर आपकी क्या राय है अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।